सीरियल जाना ना दिल से दूर में कंगना का इन्फ्लुएंस माधव पर होने लग गया है और वो विविधा से दूर होता जा रहा है। सीरियल जाना ना दिल से दूर में काफी हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। अतर, विविधा और राविश तीनों मिलकर कंगना के अगेंस्ट माधव की कस्टडी केस के लिए लड़ रहे हैं। विविधा अपने बेटे माधव को कंगना को किसी भी हालत में नहीं देना चाहती और वो ये केस हर हाल में जीतना चाहती है। विविधा और अतर अपने बेटे को कंगना के हाथों में नहीं सौंप सकते और ऐसा ही कुछ होता है कोर्ट में भी। कंगना से कोर्ट में क्वेश्चन किया जाता है कि वो आखिर इतने समय तक कहाँ थी। उसकी बीमारी के बारे में सारी चीजें पूछी जाती हैं। इन सब बातों का जवाब कंगना के पास नहीं होता और वो माधव को खोने वाली होती है। अतर और विविधा ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उनका बेटा वापस मिलने वाला होता है, लेकिन माधव इस बात से परेशान हो जाता है। माधव पर कंगना का इतना ज्यादा असर हो चुका है कि वो अपनी माँ विविधा के अगेंस्ट कोर्ट में बोल देता है। माधव भी अब कंगना के साथ ही रहना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ विविधा अब सिर्फ खुशी के बारे में ही सोचती है, उसका ध्यान नहीं रखती। फाइनली माधव की कस्टडी किसको मिलती है ये जानने के लिए प्लीज सब। सीरियल जाना ना दिल से दूर में कंगना का इन्फ्लुएंस माधव पर होने लग गया है और वो विविधा से दूर होता जा रहा है। सीरियल जाना ना दिल से दूर में काफी हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। अतर, विविधा और राविश तीनों मिलकर कंगना के अगेंस्ट माधव की कस्टडी केस के लिए लड़ रहे हैं। विविधा अपने बेटे माधव को कंगना को किसी भी हालत में नहीं देना चाहती और वो ये केस हर हाल में जीतना चाहती है। विविधा और अतर अपने बेटे को कंगना के हाथों में नहीं सौंप सकते और ऐसा ही कुछ होता है कोर्ट में भी। कंगना से कोर्ट में क्वेश्चन किया जाता है कि वो आखिर इतने समय तक कहाँ थी। उसकी बीमारी के बारे में सारी चीजें पूछी जाती हैं। इन सब बातों का जवाब कंगना के पास नहीं होता और वो माधव को खोने वाली होती है। अतर और विविधा ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उनका बेटा वापस मिलने वाला होता है, लेकिन माधव इस बात से परेशान हो जाता है। माधव पर कंगना का इतना ज्यादा असर हो चुका है कि वो अपनी माँ विविधा के अगेंस्ट कोर्ट में बोल देता है। माधव भी अब कंगना के साथ ही रहना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ विविधा अब सिर्फ खुशी के बारे में ही सोचती है, उसका ध्यान नहीं रखती। फाइनली माधव की कस्टडी किसको मिलती है ये जानने के लिए प्लीज सब।